यूपी वाला जो मैथिली बज के बोले जकर ई भाषा नहीं लगे तो ये समझा तो ई साजिश कहां भई रहल हमनी के मैथिली के साजिश कहां भई रहल कैसे भई रहल समझे तो मां का आठवें स्टूडेंट जबकि ये विरोध बिहारी माधव विश्वविद्यालय बोल रहे बलियापुर से बेटी छोड़ा गया पैदल आए 20 किलोमीटर की कुर्माली पढ़ाओ विरोध सबूत माटी कुर्माली पढ़ाओ हम तक सुनवाई नहीं थे और अपनी आंख में पड़े वाला है खास तौर पर तो समझे तो आज हमनी के चौतरफा आक्रमण भय रहा आज हमनी के भाषा के बात कर हमनी के संस्कृति के बात कर चाहे माटी के बात कर चाहे पाप से हमनी के हमला भय रहा और एक बात सीधा सा बात है कि हमार पहचान मगाई भोजपुरी से ना है हमार पहचान मगाई भोजपुरी से ना है कि मेरी पहचान माटी रंग से है लड़े हो तो अरे बहुत ज्यादा कर दो कि भाई
खातर बी असम के लिए, 371 सी मणिपुर के लिए, 371 डी ई आंध्र प्रदेश के लिए, एफ सिक्किम के लिए, जी मिजोरम के लिए, एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई गोवा के लिए। संविधान में लिखा है कि नागालैंड में क्यों जमीन नहीं की नेपाल में, मिजोरम में क्यों जमीन नहीं की नेपाल में, तो झारखंड की सबके अलग चाहे नहीं ना, और ये तो लड़ाई लड़ाई काहे सबके लड़ाई, ये तो भी लड़ाई झारखंड की। मैंने हम मांग लिया क्या था लड़की, 88 साल 1 जुलाई 88 साल के संघर्ष में, 88 साल 1912 में पहली बार झारखंड अलग है, इसके बाद फैल लाए, 2000 में झारखंड मिल गए, मैंने कि 88 साल हमने संघर्ष में लिए, 88 साल हमने बलिदान में लिए, हम झारखंड मिल गए। आदमी कहते भाईचारा के बाद, बड़का भाईचारा के बाद ठीक हो, भाईचारा के बाद कर दो गुलमी के लो उमेश महतो है बिहार में, अपना टेट में टीचर बनना चाहते हो, रहे कहे मारपीट के भगा दला, कहे भगा दला तथम ओकरा जॉइनिंग कराए ना, भाईचारा के बाद मान लो कोई भाईचारा नहीं, इगला एगनाई है अजगर साहब सैन्य तौर पर थोड़ा निगला के प्रयास करो, कोई भाईचारा के बात रहना चाहिए, तो झारखंड की तरह तबे के वो जब वो यहाँ के भाषा संस्कृति जान दे, जब यहाँ के लोग परब जान दे, जब यहाँ के कल्चर जान दे, तो झारखंडी लगे ना तो बजे के देखा ना काला भेड़ा पीड़ा माड़ा नाड़ा ढंडे बोला मांगो, झारखंडी लगे आसान लगे झारखंडी में ना, दो बीता जमीन है कि अतिक्रमण कर दिए डाला गया है, अकावे हमें झारखंडी लगी है, तो झारखंडी लोग कहा जाते हैं। आ एक बात कि सरकार कहे अपना तानाशाही घर जाना है, सरकार ने बहुत प्लानिंग कर लो, बहुत बड़ा प्लानिंग कर लो, आज हम खुलासा करना चाहते हैं, ये सोच रहे ना कि आदिवासी तो हमारा है, अगर 25% है अभी की कर ले उर्दू के भाई, सोच ले कि मुसलमान के अपन के कर रहे हैं, तो मुसलमान भाई आदिवासी भाई हम बाप तो बाप के साथ हमारे बात से सुनिए, सबसे पहले आदिवासी बंधु सबके कर रहे हैं कि तभी बिरसा मुंडा के माने हैं कि हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा के ना, तो बिरसा मुंडा लड़े लड़े दिखुओं से, सबसे पहला लाइन आदिवासी भाई अगर कोई सुन रहे हैं और उनको लगता है कि हम थोड़ा आदिवासी है तो हम तर्क के साथ और हमें तर्क के साथ बोले वो कि अगर बिरसा मुंडा के आदर्श माने हैं, यदि जयपाल सिंह मुंडा के आदर्श माने हैं, यदि रामदेव सिंह मुंडा के आदर्श माने हैं, तो हेमंत सोरेन अपन सामने नहीं रहा था, कहा कि अपन आ रहा है दिकुओं को बाहर करो, दिकु माने बाहर के लोग, बाहर कर, ये तो आईएएस आईपीएस सबके दुकानदार को भर गया, ये तो आईएएस आईपीएस सबको बढ़िया ढुकाई करा पालो, बेटा तो मुझे करो आदिवासी समाज के मुझे करो, आप बात भाई गए उर्दू और मुसलमान से भी हम बात कर दो, अरे भाई कौन अगर यहाँ कोई मुसलमान हटे तो हमें बताओ ना, कौन मुसलमान के घर किचन में माँ या बेटी उर्दू में बात कर रहा है, बता तो या तो फुलवानी में बात कर सकता है या तो पठा में, अगर उर्दू मार के चल तो पाकिस्तानी लोगों के मुसलमान के हाथ कच नहीं लगे, झारखंड से तेज है बिहारी मुसलमान, वो तो अगर उर्दू कहते तो बहुत आई थे, उर्दू झारखंड की राज्य भाषा लगे हम सम्मान कर रही है, उर्दू भारत की भाषा लगे हम सम्मान कर रही है, क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर इतना अगर मुसलमान के समझे इतना बहुत बड़ा साजिश का है सरकार में कि आदिवासी और मुसलमान के दूर रखते, मैं भाई भाई मुसलमान का मैं खड़ा है कौन है कि हमने घर माया है कि उर्दू में बात करो, उर्दू सीखे के भाषा में, उर्दू अगर सीखे के भाषा लगे अगर माया थोड़ा भाषा नहीं लगे, माया कौन भाषा है, अरे बात जब ही बुझा है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो 1952 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान आपस में खून खराबा कह गया था भाई, 1952 में फरवरी का महीना तो मुसलमान मुसलमान से लड़ा था, इसलिए भाषा के लिए पाकिस्तान उर्दू के लिए बांग्लादेश बंगला के लिए, तो मुसलमान भाइयों डायफाट ना हो, उर्दू अभी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, राज की भाषा हम सम्मान करते हैं, इस लड़ाई में आप मूल वासियों का आदिवासियों का साथ दीजिए, हम यही आह्वान करते हैं, अगर आपको लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है तो इतिहास पढ़िए, बांग्लादेश तो 98% मुसलमान है, उन लोग कहें उर्दू बोलता है, जी नहीं बांग्लादेश में उर्दू नहीं है वहाँ बांग्ला है, 98% लोग बांग्ला बोलते हैं बांग्लादेश में, इसलिए हेमंत सरकार बहुत साजिश कर रहे हैं कि आदिवासी 25% 12% मुसलमान बहुत फेरी थी या कह रहे सकता है, तो पता
कथा ना है कि आदिवासी हेमंत सोरेन के नहीं माना है, वो बिरसा मुंडा के माना है, वो जयपाल सिंह मुंडा के माना है। कभी किताब भी नहीं, किताब भी जयपाल सिंह मुंडा सबसे बड़ा आदर्श अगर कभी संविधान बने है, एक एक आवाज है जो झारखंड के बात रखा है संविधान सभा में, जयपाल सिंह मुंडा। वो एक लाइन कहा है कि अध्यक्ष महोदय आप जिसे विकास कहते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्रदास साबित होगा, आप जिसे विकास कहते हैं ना वो आदिवासियों के लिए कब्रदास साबित होगा। हम कहा कैसे सरकार में कहा कि हमें डैम बनाए दिलियो विकास भाई गलो, हमें खदान खोड़ी दिलियो विकास भाई गलो, लेकिन उनकी कहा है कि तो खातिर विकास हो, यहाँ के आदिवासी मूल वासी है और खातिर कब लगा कैसे विस्थापन हमार पलायन हमार बेघर हमें बेलो ये बाहरी के लिए कहो कि झारखंड हमरो लगो तो पूछिए ना तोर कई गो बारी छिनाए लो कोलियरी नाम से, तोर कई गो खेत छिनाए लो कोलियरी नाम से, पूछिए अरे बताओ कब जान लो झारखंड झारखंडी के लगो सीधा सा जान ले झारखंड यहाँ के जो खतियान धारी लगे वो कौन हो समाज के रहो कौन हो कौन के रहो होकर लगो ये लड़ाई के राज नहीं लड़ने तो आने वाला दिन बहुत नुकसान हो। अब चूंकि नाय काकी जेपी साहब है अपनी से कड़ी अपनी को बात करना चाहे, हमनी के भाषा संस्कृति बहुत खूबसूरत है, कभी देखा हमनी के भाषा संस्कृति बहुत खूबसूरत है। अब कहवा कैसे तो थोड़ा सा बताए देंगे, इंग्लिश में राइस कहा जाए हिंदी में चावल कहा जाए लेकिन हमने की कही है, एक समय कहते चा जखन पानी फुलावे तखन अघन ओकर बाद भात और जूठा भले सखरी, इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत मखान है हमने के भाषा में। हाथ जोते इंग्लिश में कहते प्लॉगिंग हिंदी में कहते हल जोता जा रहा है, हमने की कही है फार्मी सवारनी जहावर बाप के बाप कहे में दिक्कत भय रहला और परदेशिया के काफा कर रहला, कहीं लड़ाई की इलाज की बचाना तुम्हें के जिम्मा, हमने जब पुरखा होला अपनी अपना पढ़ा लिखा नहीं होला, हमने अनी दादी है जतना की पढ़ा लिखा है नहीं ना होला, लेकिन अपनी की एक एक बात अपनी कहा एक एक बात विज्ञान के चुनौती दे रहे सीधा ऊपर कोई का
1937 में पहली बार 1937 पहली बार भारत सरकार निर्णय भारत सरकार ना है लेकिन कमेटी बनना स्टार्ट कर और निर्णय कि हिंदी के हिंदुस्तान में भाषा बने हिंदी के हिंदुस्तान में भाषा बने भाई लेकिन सबसे पहला भी तमिलनाडु से रहा का है हिंदी के पास फल है कि हिंदी भाषा वाले फलशाली लोग लाओ एक ही यदि हमने राज्य आदि को तो हमने नौकरी चाहने के यहाँ लूटी ले तो जैसे ना झारखंड के यहाँ लूटो अपनी हिंदी में मान लिया 1965 में आजाद भारत में सरकार निर्णय ले कि हिंदी क्या है देश की भाषा बनाई हुई तमिलनाडु में 12 में 10 में 70 में खुद के आए लगाए लगाए लेकिन हिंदी के स्वीकार नहीं कर कहा कि भविष्य देख लो यदि हिंदी का स्वीकार करता है तो की करता है हिंदी वाला अपना हावी भाई आज हमने के गिरा चाहो तमिलनाडु के ला खुशिया का वो राज्य में भारतीय भाषा में बात है ना आज अपने का डेवलपमेंट हो आज अपने का डेवलपमेंट हो तो कारण है कि वो अपनी अपन भाषा उसको अपन बोली में हम ही नकल करने लगा सही ठाकुर जी का परिणाम भाई गलो अगर हम ही नकल बन गए तो निसंदेह हम ही फिर रास्ता जे रास्ता के विरोध भाव में जनरल
हमारा ने वीडियो रोक लग गया। आज सरकार के एक हफ्ते रोकने के समझ में ना आया है, सरकार के एक हफ्ते हमने दर्द का आवाज बना लिया है। एक बात बताओ, आज जितना भी विधायक मंत्री सांसद हो तो तोड़ने नियर होगी, और अखनी इतना टाका जमा करी लगा हो, इतना टाका जमा करी लगा हो कि आने वाला 100 साल अगर गिदर को तू भैंस के खाते हो, अगर गिदर को तू भैंस ही के खाते हो, अखनी इतना टाका जमा करी लगा हो। आज यह सभी पढ़ा लिखा गिदर है, क्यों बीए कर रहा है, क्यों एमए कर रहा है ना, हम वो पीएचडी कर ही रहा है, हम खुद डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्टूडेंट लगे, लेकिन हमारा अपन कहें कि फ्यूचर मालूम ना है कि हमारे साथ कराई की है। लेकिन जब विधायक नहीं हो, जब सांसद नहीं हो, अगर हर जन की तरह जनमल ना है ना, अगर कहे भाई कहे कि फलना डीएपी में पढ़ता है, बेटा डीनोबली में पढ़ता है, अगर फलना ब्रांड के जूता पहनता है, फलना होटल में खाना खाते है, इधर जनमल ना हमसे कहते तो लड़ाई लड़े। ये लड़ाई में कोई नेता साथ नहीं रहता, बहुत जाकर अपनी कमा ले लो, क्यों कोयला बेची के, क्यों बालू बेची के, क्यों पराकत पहाड़ के पत्थर बेची के, क्यों साथ में ले लो, लड़ाई तोड़ने का हो, लड़ाई तोड़ने का हो, आवाम की लड़ाई लगो, अगर आज नहीं लड़ा तो आने वाला दिन में लड़ने का साहस भी नहीं कर पाते हो, कान खोल के सुन रहा। जाकर कोयला ही में रिश्तेदार हो, पूछ यहाँ और तो सही की भी तो है, जमीन अपार भगवान बापा के खाता हो, सिया भंकर के महाराज है, तो आप झारखंड जब कहिए दलियो कि झारखंड अब सियान भाई गला है, तो आज चेता जाना, चाहे टाटा रहे, चाहे बिरला रहे, चाहे अंबानी रहे, चाहे अडानी रहे, अगर हमारे बाप के जमीन जा तो, यदि हमारे दादा के जमीन जा तो नौकरी गए के नौकर ना बन लो, शेयर ले वो, शेयर ले वो, शेयर ले वो, नौकर हमें पैदा करो, हमें नौकरी ना करो, हमारे बाप के जमीन, हमें शेयर ले वो, नौकर हमें पैदा करो। आज काय राणा, हम तो हमारे तो सबसे निवेदन कर दो, हम तो हमारे और ठीक हो, एयर के इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना, लेकिन आज समय के मांग हो, तीसरा पैदा कर, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, तीसरा पैदा कर, अगर निर्मल हो तो बनाओ, निर्मल हो तो बनाओ, एक मजबूत बनाओ, नहीं तो अरे अंग्रेज भी बुरा हो गया, अंग्रेज भी बुरा हो गया, सब चोर रहे, अंग्रेज भी बुरा हो गया, अंग्रेज के पास हमें कानून बनाए दो, सीएनटी बनाए दो, बिल्कुल इंसान रूल बनाए दो, सच्चे सन्यासी बनाए दो, लेकिन भैया जाना ओपन से बुरा हो, हम तो हमारे दो रहे, तीसरा पैदा कर, तीसरा के निर्माण बनाओ, निर्माण बनाओ, निर्माण बनाओ, बेटा रहता बेटी को भारत परिवार निर्माण बनाओ, निर्माण बनाओ, केवल हमें खून में बहा लिए झारखंड बढ़ने खातिर हमें खून रहा है, पसीना भी बहा लिए, खून तो निर्माण का बहा ले, शक्ति का बहा ले, यह समर मामा तो बहुत महत्व की खून कर खातिर तो बहुत सारा खून में कोई महिला है, कोई कवानी है, हाथा है, मोटू है, सभी बहा ले, दीवानी है, सीने सभी खून बहा ले, लेकिन पसीना भी हमें बहा लिए, अंसारी हो अमीर खून झारखंड का भी सभी बहा ले, लेकिन पसीना भी बहा लिया। अब आप कैसे कि पसीना का खर बहा लिए, एगो बात याद कर लिया, छोटा भाई हारे के गाय कहला हो कि भाई मारा काहा करेगा ना, लेकिन काहा मिला ओकर मोबाइल का भाई गाय मिला हो काहा करेगा ना, हमरा मिला हो मोबाइल दिन भर जाकर हमें के के खेल डाल लियो ना, हमर नानी बड़ी गाय दे दो कमाई ना काहा करेगा, तो हमें के पूछ ले कि काहा मने की हो, हमें अपन नानी के पूछ लिए कि काहा मने की, नानी ने क्या पाला, पर नानी का ससुर जिंदा हले ओकरा पूछ लिए कि हे नानी बाबा काहा मने की, वो बताले तेरे दोनों 100 साल 150 साल पहले हमने घरे गोटे के उड़ूक लगाए देखे गोटे घर घुसती उठी के उस प्राण दिए जहलिए गंटी पोखर पहाड़
के भाषा भैया के बोली संस्कृति गहरे से है। जब भैया लौके जमीन चढ़ा दारू भैया के मुर्गा के लिए लिया पाल हमें बहुत तक तो मैं क्या पाल वो हो लेकिन ढाबा का दुकान पौधे जमीन बढ़िया में दारू और मुर्गा सी लगा था। तो जब तो यहाँ जमीन तक छोड़ दिया मुझे पाल में आसानी सीखे रखी गई यहाँ बोली भी सीखे रखी गई। हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर मोटा